सुल्तानपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सुल्तानपुर सिमरी के पास टैंकर से भिड़ी बाइक सवार दो युवकों के गंभीर अस्पताल में जिला चिकित्सालय भर्ती, दोनों का हो रहा जिला अस्पताल में उपचार। सुल्तानपुर जिला जज संतोष राय के निर्देश पर जिला कारागार में छोड़े गए 17 कैदी। सुल्तानपुर के ग्राम सरकंटेड़ी शाहपुर की घटना, जहां घर के बाहर बच्चे के लिए 9 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आने से बच्चे की हुई मौत। सुल्तानपुर में नगर के सब्जी मंडी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी कार, बाल बाल बचे लोग, ऐसी घटनाएं रोज घटती रहती है, लोग हैं परेशान। सुल्तानपुर के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद भ्रमण कर कोविड 19 के रोकथाम संक्रमण टीकाकरण का लिया जायजा, डीएम रवीश गुप्ता एवं कई अधिकारीगण रहे मौजूद। सुल्तानपुर में भगवान परशुराम पर अशोभनीय टिप्पणी करना पड़ा भारी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई, एसपी ने दी जानकारी। सुल्तानपुर में फेसबुक पर धार्मिक अशोभनीय पोस्ट करने का मामला, पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को किया शिकायत, बस कार्रवाई की मांग। सुल्तानपुर जिले में बुधवार को मिले 93 कोरोना पॉजिटिव मरीज, सीएमओ ने की पुष्टि। सुल्तानपुर के अपर मुख्य सचिव राजस्व मोनिका एसगर के अमाट स्थित L2 हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में शांति व्यवस्था भंग किए जाने के आरोप में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 27 लोगों को किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। सुल्तानपुर में अपर मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, प्राप्त शिकायतों के तलब कर निस्तारण के दिए आवश्यक निर्देश। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर हल्की बारिश से बिगड़े जयसिंहपुर क्षेत्र के सड़कों की दशा, सड़क पर गड्ढों के कारण हुआ जल भराव। सुल्तानपुर के गुप्तारगंज में 10 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने की छेड़छानी, आरोपी के पुलिस ने किया दबोचा। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में बेटी की शादी की तैयारी में लगा पंडाल, भरोसा कस्बे में लगे पंडाल के घुस अनियंत्रित ट्रक, हजारों का नुकसान, बाल बाल बचे लोग। सुल्तानपुर के कादीपुर में ग्रामीण अंचलों में लगातार हो रही बारिश से बढ़ाई मुश्किलें, विद्युत व्यवस्था हुई ठप। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर रुकनपुर गांव में हुए जमीनी विवाद में दोनों पक्ष पर मुकदमा हुआ दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर के सराय मुस्तफाबाद में जमीनी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर के बलदीरा जनपदगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 10-10 लीटर अवैध शराब के साथ दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर मोतीगढ़पुर पटकौली के लापता हुई वृद्ध महिला, 24 घंटे के बाद गांव के कुएं में मिला महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। बलदीरा पारा चौराहे पर पुलिस ने देर रात तक चलाया वाहन संघन चेकिंग अभियान, वही अनावश्यक घूम रहे लोगों के लिए तलाशी किए गए, पूछताछ। कादीपुर एसपी के निर्देश पर शांति व्यवस्था भंग किए जाने के संबंध में कादीपुर क्षेत्र से 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। जयसिंहपुर के सीहोर गौरैया की टोला के बारिश के कारण गिरा आवासीय छप्पर, मलबे में दबकर एक युवक की हुई मौत। सुल्तानपुर के बंधुआ कला में हुए गोलीकांड में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। सुल्तानपुर जिले से संबंधित छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।